एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो अभी जो है मैं नहा के आ गई हूँ, और उसके बाद जो मैं अपना नॉर्मल जो है फेस पे क्रीम लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना। एंड आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं रेडी हो जाऊँ, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो ये जो टॉप आप देख रहे हैं, ये मैं काफ़ी टाइम बाद पहन के देख रही हूँ, और ये टॉप मेरा फेवरेट टॉप था। तो मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट क्रीम लगाई मैंने नीविया की, और उसके बाद मैंने अपने लिप्स मॉइस्चराइज़ करे, ब्लू हेवन का लिप बाम लगाया, और उसके बाद मैंने वाइट टोन पाउडर, क्योंकि आजकल स्वेटिंग आ जाती है तो इसलिए जो है मैंने वो लगाया। उसके बाद मैं अपनी फेवरेट शेड अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन की, और ये शेड जो है अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूँगी, आप पूछ लेना मुझसे कमेंट करके अगर आपको पसंद आया तो। तो ये शेड मैंने बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया, मतलब क्या होता है ना कि जो शेड हमें पसंद होता है तो हम बार बार उसी को अप्लाई करते हैं, तो मैं मैक्सिमम ये वाला शेड अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तैयार हो जाती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैंने ये टॉप डाला है, और ये टॉप काफ़ी पुराना है, इसको 1 साल या 2 साल हो गए होंगे। आई थिंक मैंने सरोजनी नगर से ये लिया था, और गोवा भी नहीं ले जा पाई थी एक्चुअली, मेरा उस टाइम वेट पुट ऑन हो गया था। तो मैं आजकल जो है वर्कआउट कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसको डाल के देखती हूँ कि मेरे ऊपर कैसा लगता है और अब फिट है कि नहीं है। तो इसलिए जो है कहते हैं ना कि अगर आप वर्कआउट करते हैं और वेट लूज़ करते हैं तो आपको पुराने कपड़े भी फिट आ जाते हैं, मतलब जो कपड़े आपके फेवरेट होते हैं बट आपको वेट पुट ऑन होने की वजह से आप उनको डाल नहीं सकते, तो वो जो है फिट आने लगते हैं। तो मैंने सोचा देखती हूँ और ट्राई करके, बट अभी भी ना हल्का हल्का मुझे इस एरिया पे ये जो है थोड़ा सा टाइट लग रहा है, थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ। बट मेरा इस टॉप के ऊपर जो है तैयार होने का बड़ा मन करा, तो इसलिए जो मैंने लिपस्टिक लगा ली, वाइट टोन पाउडर लगाया, और निविया की क्रीम लगा ली, और काजल लगा लिया, दैट्स इट, इतना सा किया। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये टॉप। और दिव्या यहाँ पर सो रही है, मैं थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रही थी, इसका बैक जो है ना इस टॉप का तो काफ़ी डीप है, तो इसलिए जो है मैंने श्रग डाल लिया था, बट मैंने सोचा फ्रंट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं ज़्यादा बैकलेस जो है डालती नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे हैबिट नहीं है अभी, तो इसलिए जो है मैंने सोचा आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किस कैसी लग रही हूँ उस टॉप के ऊपर। तो अभी पहले मैं इसको चेंज करती हूँ, फिर आपसे बात होगी मेरी। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और मम्मी के लिए जो है मैं फीकी चाय बना रही हूँ। आज मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय नहीं बना रही, क्योंकि हमने सोचा कि हम आज कॉफ़ी पियेंगे, तो इसलिए जो है मम्मी के लिए बना रही हूँ सिर्फ मैं, और वो डायबिटीज़ है उनको, तो इसलिए जो है फीकी चाय पीती है। तो मेरी चाय जो है बन के रेडी हो चुकी है, और मैं मम्मी को देने के लिए जा रही हूँ चाय। छत में आई थी मैं मम्मी को चाय देने के लिए, अभी नीचे जा रही हूँ, और हम लोगों के लिए मैं बनाऊंगी कॉफी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए जो है सबसे पहले मैं मलाई ले लूँगी, एकदम फ्रेश मलाई है ये, और इस मलाई में मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी पाउडर, तो 2 पाउच कॉफ़ी है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद शुगर ऐड कर दूँगी, फिर इसको मैं अच्छे से फेंटूँगी जिससे कि एक अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए, और इस तरीके से फेंट के जो है कॉफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जो मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं कॉफ़ी आज, और तो इस तरीके से ही कॉफ़ी बढ़िया लगेगी फेंट के। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो पहले मैं इस कॉफ़ी को अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करके छत पे आई हूँ, और आप देख रहे हैं कितनी हवा चल रही है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है।
थक गई। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी एक्सरसाइज करके जस्ट छत में आई हूँ। सौम्या खा रही है बनाना। थक जाते हैं एक्सरसाइज के बाद, सच में बहुत ज्यादा। और ना ये और आपने इसको काट के ना कुछ कुछ में हनी और कुछ कुछ में चॉकलेट डालना, अच्छा से काट के बहुत मस्त लगेगा चॉकलेट वाला आपके बच्चों को। ये देखिए शाम के टाइम पे कितनी प्यारी हवा चल रही है। अंडा करी, अंडे बॉईल होने के लिए रखे हैं, दो दो बाउल में मैंने अंडे रखे हुए हैं। तो आज जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, काफ़ी दिन हो गए थे अंडा करी खाए हुए। तो जो है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना। और हम एग वगैरह खाते हैं, नॉन वेज मतलब जो भी है खाते हैं। तो बस यही है मुझे, मतलब एग करी जो होती है, अंडा करी, वो तो ठीक है, मुझे पसंद आती है, लेकिन मीट या फिर चिकन ये सब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऑमलेट वगैरह भी ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन ठीक है, बट अंडा करी बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो बस यही बना रही हूँ, डिनर की तैयारी कर रही हूँ, 8:30 हो गए हैं, अब आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी कपड़ों के बारे में। जैसे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली मैं चाहे जीन्स टॉप डालूँ, स्कर्ट डालूँ या वेस्टर्न ड्रेसेस कोई भी डालूँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट कई फैमिलीज ऐसे होती है जहाँ पे बोलते हैं, अरे घूंघट नहीं लिया बहू ने, अरे ये क्या कपड़े पहन लिए, मतलब शर्म ही नहीं है, पता नहीं कैसी वो है, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें ना ताने सुनने को मिलते हैं। और हर किसी के मन, मतलब आज की डेट में पता है हर किसी का दिल करता है कि यार वो वेस्टर्न ड्रेसेस डाले, वो अगर उनको छुप छुप के डालना पड़ता है। तो मैं मतलब उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि यार, मतलब जो लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार रिस्पेक्ट जो होती है ना दिल से होती है, वो कपड़ों से तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती। बट हाँ, जो चाहे बहुएँ हैं या जो भी हैं, बुरा मत मानना एक बार, ये हमें भी पता होता है कि हमें कौन से जगह पर कौन से कपड़े पहनने हैं। तो इस चीज़ का हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बड़े हैं उनकी फीलिंग जो है हर्ट ना हो। लाइक जैसे कि कहीं पर पूजा है और पूजा में हम लोग ऐसे कपड़े पहन के चले गए वेस्टर्न ड्रेस, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब वो हमको भी खुद अंदर से वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए। और बाकी रही बात पेरेंट्स की, जो मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ जो भी है, उनको भी ये समझना चाहिए कि यार कपड़े जो है ना, अपना बच्चा समझो यार, दूसरे को मतलब वो दूसरी फैमिली से आई है लड़की, वो भी तुम्हारी बेटी जैसी है, अगर उसको बेटी जैसे समझोगे ना, ऑब्वियस सी बात है वो भी आपको अपनी मम्मी पापा वाला दर्जा देगी। तो यही है कि बस इस सोच को चेंज करना है, फ्रीडम से रहना है, हमारा देश है बस उसमें आज़ादी से जियो, खुल के नाचो गाओ, झूमो, जो मन करे पहनो। लेकिन हाँ, अपनी भी जो है लिमिटेशंस याद रखो कि हमें कहाँ पे कैसा पहनना है, कहाँ पे कैसा बोलना है, बस ये चीज़ है। और टचवुड की मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, खुल के मतलब जी सकते हैं ऐसी लाइफ। तो आज का ब्लॉग बस यही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस रेगुलरली। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।